तो योगी जी का जो कार्यकाल रहा है 5 साल का, कैसा कार्यकाल रहा? देखिए, व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश है। हमारा वोट उस पार्टी के लिए होगा जिसने हमें बहुत कुछ दिया है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि मंडी शुल्क लागू हो गया है, इसको लेकर काफ़ी विरोध कर रहे थे आप, और एक तरफ समर्थन कर रहे हैं, क्या मामला है सर? नहीं, हम अनदेखा नहीं कर सकते ना सरकार का। हमारे लिए बहुत सी सुविधाएँ दी हैं सरकार ने, ऐसा नहीं है। देखिए, अच्छी सड़कें दी हैं, बिजली दी है, जिससे व्यापारी सुखी हुआ है, समृद्ध हुआ है और आत्मनिर्भर बना है। ठीक है, हम उन चीज़ों को अनदेखा नहीं कर सकते। रहा सवाल मंडी वाला, तो उसमें कुछ ना कुछ कहीं पे त्रुटियां हुई थी सरकार से, तो उसका हमने काले कानून का विरोध किया था, सरकार का नहीं किया था। तो इस बार समर्थन किसका कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का या अन्य किसी पार्टी का? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को व्यापारी वर्ग समर्थन करेगा, क्योंकि हमें बहुत ही लाभ हुआ है उससे। बिजली हमें जो कभी नहीं मिलती थी, वो आज 20-22 घंटे में बिजली मिल रही, जिससे हमारे व्यापार में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई। और कई से ऐसे हमारे व्यापारी हैं जो इलेक्ट्रीशियन का व्यापार करते थे, आज उनका व्यापार बहुत धड़ेले से चल रहा है। कभी ठंड के दिनों में विपक्ष वाले कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसमें महंगाई बढ़ी, तो आपको लग रहा है महंगाई बढ़ी गैस पे, पेट्रोल डीजल पे, इस तरीका जो महंगाई बढ़ी है, इसको लेकर फिर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ ना कुछ तो विपक्ष अपनी बात रखेगा ही। नहीं, वास्तव में बड़ी नहीं है, आप नहीं मानते? नहीं नहीं, हम नहीं मानते इस चीज़ को। महंगाई बढ़ी है, जिस प्रकार से देश तरक्की कर रहा है, 100 रुपये का पेट्रोल बिका है, 950 रुपये का सिलेंडर, तो इसमें आम आदमी के लिए बहुत सी सुविधाएं भी तो मिली हैं। अगर पेट्रोल पे दाम बढ़े हैं तो और चीज़ों पर भी तो देखें, आप गल्ला मिल रहा है आपके लिए, और अब तो शायद उसमें रिफाइंड भी मिलने लगा है, चने भी मिल रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं। अगर एक तरफ पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं थोड़े से, तो और देश का मतलब देश तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तो इतने भी दाम नहीं होंगे तो कितने होंगे, ये बताइए। थोड़ा सा आप भी आ जाएंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ, नवाबगंज विधानसभा सीट पे इस समय भगवत सरन, जो 6 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री, एक दिग्गज नेता माना जाता है उन्हें, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर एम पी आर्या हैं, तो क्या लग रहा है मुकाबला कैसे होने वाला है नवाबगंज का? मुकाबला तो कड़ा होगा, बहुत ही संघर्षपूर्ण होगा, और मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी की सीट निकल जाएगी। क्या आधार क्या लग रहा है आपको, किस आधार पे कह रहे हैं कि आपके जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर आर्या, वो जीत जाएंगे? देखिए, सरकार ने जो कार्य किए हैं आज तक, जो भी कार्य किए हैं और जो भी किया है, उसी के आधार पे मतलब सीट निकलेगी। चुनाव क्या लग रहा है आपको, धर्म के आधार पे होगा या विकास के आधार पे होने वाला है? चुनाव तो विकास के आधार पर ही होगा, धर्म के आधार पर क्यों होगा? लग रहा है भाजपा ही सीट निकल जाएगी? बिल्कुल जी। आप कहना चाहेंगे कुछ नेता जी? यहाँ का जो माहौल है विधानसभा चुनाव का, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या यहाँ की स्थिति है इस समय? स्थिति भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, डॉक्टर साहब चुनाव जीतेंगे यहाँ से भारी मतों से। विपक्ष वाले कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ी है। कोई महंगाई नहीं, कुछ चीज़ों पर महंगाई है तो कुछ चीज़ों के दाम भी कम हुए हैं। भाजपा के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ के समाजवादी में भाग गए, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ग्राफ नीचे आ रहा है? इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो तो ये भगदड़ तो चलती रहती है। समाजवादी पार्टी के कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बताने आ रहा हूँ, जैसे कि आज की ब्रेकिंग खबर है, मुलायम सिंह की छोटी बहू वो भाजपा में शामिल हो गई हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छी बात है, और उन्हें लगा हमारी मतलब सरकार की नीतियां उन्हें पसंद आई, हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्य उन्हें पसंद आए, माननीय योगी जी के कार्य पसंद आए, इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि हमें बीजेपी में ही जाना चाहिए, और निश्चित ही उनके आने से हमारी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा भी होगा। लेकिन आपकी पार्टी के बड़े बड़े मंत्री, विधायक कम से कम 2 दर्जन पहुँच गए समाजवादी में? आया राम गया राम तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि हमें पार्टी से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो चले गए। फिलहाल नवाबगंज विधानसभा सीट पर चुनाव कठिन होने वाला है, आसानी से आपके भाजपा प्रत्याशी जीत जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, माननीय भगवत सरन गंगवार जी भी यहाँ विधायक रह चुके हैं, उनकी भी यहाँ पर अच्छी छवि है, मुकाबला कांटे का होगा। ये मान रहे हैं मामला कांटे का होगा, कठिन होगा? कठिन होगा, लेकिन निश्चित ही हमारे प्रत्याशी डॉक्टर एम पी आर्या, जिन्होंने नगर के लिए अपना बहुत ही विशेष कीमती समय यहाँ नगर के वासियों को दिया है, और मैं नगर के वासियों से अपील करूँगा, आज जब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उनका उनका सपोर्ट करें। अच्छा, जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो आपके प्रत्याशी हैं डॉक्टर एम पी आर्या, किस तरीका के व्यक्ति हैं, कैसा स्वभाव है उनका? बहुत ही सज्जन, सरल और बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, वो ईमानदार व्यक्ति हैं, और पूरे नगर की सेवा के लिए, जब कभी भी मैंने देखा एक दो बार कि कभी भी मरीज को अगर रात बिरात जरूरत भी पड़ गई, कोई परेशानी दिक्कत आई, तो डॉक्टर साहब ने उसकी सेवा के लिए वो तुरंत उठ के आए। ये मान रहे हैं कि अगर वो विधायक बन गए तो आसानी से आप लोगों को मिल पाएंगे वो? हाँ, ये मतलब स्थानीय नेता हैं वो, ठीक है, और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को वादा है कि वो हमेशा अपने ही निवास पर मिलेंगे। उम्मीद रखते हैं उनसे? हाँ, ये पूरी पूरी उम्मीद है, और हर व्यक्ति के सुख दुख में काम आएंगे।
अच्छा, यहाँ के समीकरण क्या लगते हैं आपको? अभी तक बसपा का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है जी। कांग्रेस से उषा गंगवार जी का नाम सामने आ रहा है, तो क्या लग रहा है जो मुस्लिम वोट बैंक है ये कहाँ खिसकने वाला है, क्या लग रहा है आपको? समाजवादी या अन्य जो दल आ रहे हैं सामने, ऐसे बसपा का कोई प्रत्याशी आएगा, अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट आ गया तब की क्या स्थिति होगी? देखिए, मैदान में जो प्रत्याशी हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब उन्हें वोट ना मिलेगा, वो भी किसी ना किसी वजूद पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित ही वोट थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा ही।